तो फिल्म फ्लॉप होने का डर लगा तो आमिर खान को कहना पड़ा मेरा भारत महान। आमिर खान ने कभी कहा था मेरी पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है, अब भावुक होकर राष्ट्रवादी बने हैं। भारत की जनता ने समझाया किसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम, तो रोने क्यों लगे आमिर खान? आमिर खान के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ा कि वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं? याद कीजिए, कुछ साल पहले आमिर खान को भारत में डर लगता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो भावुक होकर देश की जनता से कहते हैं कि उनके सीने में राष्ट्र प्रेम की कोई कमी नहीं है? तो फिर आमिर खान की राष्ट्रभक्ति पर क्या आपको इसलिए शक हो रहा है? क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम तब जागा जब आमिर खान को सैकड़ों करोड़ों का नुकसान होने की आशंका सताने लगी। जिस देश में उन्हें डर लगता है उसी देश की जनता उन्हें सुपरस्टार वाली कुर्सी से उतारने वाली है, या बात कुछ और है? ये नया हिंदुस्तान है, पुराना हिसाब किताब पूरा कर ही लेता है। भारत की जनता ने कहा हम आमिर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा नहीं देखेंगे क्योंकि आमिर खान राष्ट्रहित की बात नहीं करते, इसलिए फिल्म ना देखने की मांग हो रही थी। इस बात से बेहद आहत आमिर खान मीडिया के सामने आए और भावुक होकर उन्हें कहना पड़ा, जब लोग बॉलीवुड और लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की बात करते हैं तो मुझे दुख होता है, खासकर तब जब लोग मेरी फिल्मों को इस तरह से बायकॉट करने की डिमांड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उन लोगों की लिस्ट में शामिल हूं जो भारत को पसंद नहीं करते। लेकिन ये सच नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। कृपया मेरी फिल्म का बहिष्कार ना करें, कृपया मेरी फिल्म देखें। अब हम आपको बताते हैं कि आमिर खान को लेकर ये विवाद क्यों, क्यों एक धड़ा आमिर खान का विरोध कर रहा है और उनकी फिल्म को क्यों ना देखने की मुहिम चल रही है। आमिर खान का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी को भारत में डर लगता है, भारत रहने लायक नहीं है। उस बयान के बाद से ही आमिर खान देश में एक धड़े के निशाने पर आ गए। भारत की जनता ने सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार दिए, बैंक अकाउंट को अरबों की संपत्ति से भर दिया। अब कुछ फैक्ट ऐसे देखने वाले हैं जिसके बाद आप भी कहेंगे सच में आमिर खान कभी राष्ट्र प्रेमी हो सकते हैं क्या? फिल्म पीके याद करिए, फिल्म पीके में एक हिंदू लड़की का सरफराज नाम के मुसलमान लड़के से प्रेम करना, सरफराज कभी धोखा नहीं देगा ऐसा जानबूझकर कहा गया, संत को मक्कार समाज विरोधी दिखाया गया, पूजा पाठ करने वाले हिंदुओं को बेवकूफ बताया गया, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना गलत बताया गया। पीके फिल्म में एक धर्म को लेकर ही एजेंडा रचा गया। तो क्या आमिर खान से देश पूरी तरह से चिढ़ गया? उनके विरोधी कहते हैं कि फिल्म तो हिट हो गई पर आमिर फ्लॉप हो गए। देश में हिंदुओं के बलबूते सुपरस्टार बने आमिर खान जब बदले में उन्हीं हिंदुओं को पीके जैसी फिल्म देते हैं तो क्या उनकी आलोचना ना हो? असल में लोगों का गुस्सा आमिर खान या उनकी फिल्म से नहीं है, किसी सितारे या मूवी से नहीं है, बल्कि पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से है। जिस तरह से इस इंडस्ट्री में हिंदू संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है इससे नाराजगी है। लोगों को दिक्कत है कि फिल्मों में आतंकियों के महिमा मंडल से लेकर अपराधियों तक को नायक की तरह क्यों पेश किया जाता है? आमिर खान ने भारत विरोधी तुर्की में जाकर किस तरह से वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की, वहां के पर्यटन को प्रमोट किया, इससे भी उनके अंतर्राष्ट्रीय और इस्लामी एजेंडे को समझा जा सकता है। पाकिस्तान का यार तुर्की अक्सर कश्मीर का राग अलापता है और भारत में मुसलमानों को भड़काता है। नुपुर शर्मा के बयान पर तुर्की नाराज हुआ था। तुर्की की प्रथम महिला अमीन एर्दोगन से आमिर खान 15 अगस्त 2020 को मिले थे। लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग वहां हुई। आमिर की पूर्व पत्नी के संगठन के पांव वहां जमाने को लेकर बातें हुई। 11 अगस्त को आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर लोग अपील कर रहे हैं कि अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो आमिर खान की फिल्म मत देखना, जिसका मतलब है जो भारत की सभ्यता को मिटाने की कोशिश करेगा देश की जनता उसको खुद मिटा देगी। तो क्या आमिर खान की फिल्म का विरोध जायज लगता है? इस सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।